हेलो दोस्तों, गर्मी का सीज़न आने वाला है। आपके लिए मैं लेके आई हूँ आज हेल्दी टेस्टी कस्टर्ड की रेसिपी। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, बिल्कुल होटल जैसा बनके तैयार होगा। तो चलो शुरू करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए एक मीडियम केला है, 50 ग्राम अंगूर हैं, एक अनार है मीडियम साइज का, 5-6 इलायची हैं और कुछ ड्राई फ्रूट हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो डाल सकती हो, आपके पास जो भी फल है डाल सकती है, जो इसमें से नहीं है वो छोड़ सकती है। अब मैं लूँगी 2 चम्मच कस्टर्ड, वेनीला का कस्टर्ड है, आपके पास जो भी कस्टर्ड है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसका घोल बनाना है ठंडे पानी में या दूध में, ठंडे में। अब हम दूध गर्म करने रखे देते हैं, ये 500 ग्राम दूध है। दूध घर का या बाजार का आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूध हमारा उबल गया है, इसमें हम कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड को मिला के थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालना है इसमें और दूध को चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा तले में कस्टर्ड। गर्मियों के सीज़न में कस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है, घर में 2-3 दिन तक हम इसे खा सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद कस्टर्ड ऐसा बन जाएगा, चमची पे दूध अच्छे से लगने लगे तो आपका कस्टर्ड तैयार है। आपका देखो ये कस्टर्ड तैयार है बन के, ये ठंडा होकर भी और गाढ़ा होगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चमचा चीनी। चीनी को डाल के चला देना, चीनी घुल जाएगी, फिर गर्म है अभी ये। और इसे ठंडा करने के लिए एक थाल में पानी रखूँगी मैं, तो इसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। गर्मी में टाइम लगता है ठंडा होने में, इसे चमचा से चला देंगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। मैंने होली पे बनाया था कस्टर्ड, सबकी डिमांड कस्टर्ड की थी। गुजिया दही भल्ले सबके घर मिलते हैं। ये मैंने इलायची भी डाल दी इसमें 5-6। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, ये ठंडा हो गया है। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अंगूर, 1 केला मीडियम साइज़ का कटा हुआ, वो भी डाल देती हूँ इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी अनार छिले हुए। मेरे पास यही फल थे, आपके पास और भी फल हैं वो डाल सकते हो, सेब है, कीवी है, और भी जो फल हैं आप डाल सकते हो। अब मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी, ड्राई फ्रूट मेरे भुने हुए हैं, आप बिना भुने भी डाल सकते हो, आपके पास बिना भुने हैं तो वो भी डाल सकते हो आप। अब ये सब फल वगैरह हम मिक्स कर ही लेते हैं अच्छे से, 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखना। आपका कस्टर्ड बनके तैयार है, आपके गेस्ट आने वाले हैं तो आप पहले ही बना के रख सकते हो कस्टर्ड। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।